वरिष्ठ नेता और साथ ही उत्तर प्रदेश की फरुखाबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी सलमान खुर्शीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि मुकदमा खुर्शीद के उस बयान के चलते दर्ज हुआ है जिसमें उन्होंने खुद को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बाप बताया था। और तो और, दो दिन पहले खुद को योगी आदित्यनाथ का बाप बताने को लेकर पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के खिलाफ फरुखाबाद की कोतवाली सदर में धारा 171 जी और साथ ही धारा 298 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। सलमान खुर्शीद के बयान पर विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली सदर में तहरीर दी थी जिसके बाद केस दर्ज किया गया। आपको ये बता दें कि इससे पहले सलमान खुर्शीद ने कहा था कि योगी जी से कहिए कि रिश्ते में मैं उनका बाप लगता हूँ, वो इसके लिए क्या कहेंगे, बेटा बड़ा नकारा निकला, किसी और से चोरी करे तो समझ में आता है लेकिन जिसको माँ कहा उससे ही चोरी की। चोरी तो कृष्ण गोपाल भी माखन की करते थे लेकिन ये चारे की चोरी करते हैं। गौरव इस बात पर शनिवार को फरुखाबाद की जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बाटला हाउस के आतंकियों से सलमान खुर्शीद के क्या संबंध थे, उसकी पैरवी में सलमान क्यों और किस हैसियत से गए थे। तो वहीं शनिवार को ही बिजनौर की एक सभा के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती पर निशाना साधते हुए योगी ने यह भी कहा था कि वो उन लोगों के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं जो लोग बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करते हैं। SBN 9 न्यूज से अजय रिपोर्ट।